आप सभी साथियों को अजमेर से जयवंती आसवानी का नमस्कार। सर्दियों की शाम में एक बार फिर आप सबके साथ हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 30 लेकर। साल का दूसरा शुक्रवार है और सर्दी भी शानदार है। बिना कुछ कहे आज सीधी अपनी बात पर आती हूँ, जहाँ पार्ट 29 समाप्त किया था, कि मैंने आप बताया था किस तरह से ट्रेन में नींद आ जाने के कारण मैं फुलेरा स्टेशन पहुंच गई थी और वहां पर एक भैया थे जिन्होंने मुझे अपने घर पहुंचाया। बहुत छोटी थी लेकिन आज सोचती हूँ कि वास्तव में वो इंसान एक फरिश्ता ही होगा जिसने सही सलामत मुझे घर पहुंचाया, मेरी मदद की। बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में हमें मिलते हैं। मैं नहीं जानती कि अब वो कहाँ होगा, लेकिन जहाँ भी हो उसकी शुक्रगुजार हूँ। तो उसके बाद हम रात को जब ट्रेन से मालगाड़ी से वापस मदार स्टेशन आए उतरे, तो वो ही रात का समय था और दिसंबर महीना था। निश्चित है कि सर्दियाँ उस समय आज के जैसे ही नहीं होंगी। और जब स्टेशन से हम बाहर निकले तो वो भैया खुद भी बहुत डर गए, क्योंकि रास्ता इतना खतरनाक था, इतना अंधेरा, आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। और उस समय चर्च में जो बेल लगी हुई थी वो भी बहुत बज रही थी, मतलब एक डरावना सा वातावरण वहाँ था। तब उन भैया ने मुझे कहा, पता नहीं क्यों उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, वो मुझे अंत तक भी गुड़िया ही पुकारते रहे, और उन्होंने कहा कि गुड़िया तुम्हारा बैग मुझे दे दो और जितनी तेज़ी से मेरे साथ भाग सकती हो भागो और सीधे घर पे ही रुकना। मैंने हामी भर दी सिर हिलाकर बस, क्योंकि इतना लंबा भागना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे भी तो जल्दी थी ना घर पहुँचने की, तो मैंने हाँ कर दिया। उसके बाद हम वहाँ से भागे, तेज़ तेज कदमों से चले और घर आए। तो सड़क पर ही मेरी मम्मी और हमारे जो आसपास के पड़ोसी थे उन्होंने आँख जला रखी थी और वहीं सब थे, चिंतित दिखाई दे रहा था साफ। और जब उन लोगों ने हमें देखा तो मेरी मम्मी की सांस में सांस आ गई कि चलो मैं वापस सही सलामत घर पहुँच गई। लेकिन उन्होंने सवालों की एक झड़ी मेरे आगे लगा दी कि कहाँ गई थी, इतनी देर कैसे हो गई, ये कौन है, क्या हुआ। लेकिन मैं तो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी, पर उन भैया ने सारी बात मम्मी को बताई। और उसके बाद रात बहुत हो चुकी थी, तो निश्चित है कि वो घर नहीं गए और वो भैया हमारे यहाँ ही रहे और दूसरे दिन वो दोपहर में ट्रेन से चले गए। लेकिन उनके जाने से पहले एक निर्णय ये ले लिया गया था मेरे मम्मी पापा और हमारे जो पड़ोस के भी थे एक दो घर और वो भैया भी वहीं थे, कि अब मुझे स्कूल नहीं भेजा जाएगा, अजमेर इतनी दूर ट्रेन से नहीं भेजा जाएगा। कुछ दिनों तक तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे। लेकिन बाद में मैंने उनसे एक दो बात की कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है और मैं नहीं अब सोऊंगी और खड़ी खड़ी आऊँगी, मैं ट्रेन में खड़े होकर आऊँगी ताकि मुझे नींद नहीं आए। लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार अगर इंसान के मन में डर बैठ जाता है तो फिर बस वो उसको निकालना बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन हो गया एक तरह से। नहीं, मम्मी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहीं स्कूल नहीं जाओगे तुम, और देखेंगे बाद में, देखेंगे जब यहाँ कुछ साधन ऑटो टेम्पो शुरू हो जाएंगे तो तुम्हें भेजना स्कूल शुरू कर देंगे, लेकिन अभी बिल्कुल भी स्कूल के बारे में कोई बात नहीं होगी। तो एक बार फिर मैं अपनी शिक्षा से वंचित हो गई और घर पर ही रहने लगी। और घर पर रहकर जो घर के काम, और मम्मी उस समय सिलाई करते थे, उनके काम सिलाई में भी मैं मदद करने लगी और मेरा वो साल भी ख़राब हो गया। उसके बाद एक बार मेरे मामा जी आए इंदौर से और उन्होंने जब देखा कि मैं पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठी हूँ, मम्मी ने उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने मम्मी पापा को समझाया कि कोई बात नहीं, जो समय ख़राब हो गया उसको छोड़ो और इन पास में जो स्कूल है मदारपुरा गांव में
वहाँ एडमिशन करवा दो। अगर वो पहली दूसरी क्लास में ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हिंदी सीखेंगे बच्चे तो सीख जाएंगे, ऐसे तो पढ़ाई खराब हो जाएगी। और भविष्य में पढ़ना तो हिंदी है ना, पहले ही बहुत बड़ी गलती हो गई, सिंधी स्कूल में एजुकेशन के लिए एडमिशन हो गया था तो मम्मी पापा ने उनकी बात मान ली और मेरा एडमिशन कक्षा 2 में उस समय हुआ। बहुत समय निकल चुका था, पढ़ाई बहुत ख़राब हो चुकी थी, यानी बहुत पीछे हो गई मैं कुल मिला के अपनी पढ़ाई में। तो जो भी था खुश थी मैं, कम से कम मेरी पढ़ाई तो स्टार्ट हुई और मैंने भी मन लगाकर हिंदी सीखना शुरू कर दिया। और उसके बाद जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। इस बीच मेरे पापा ने अपना बिजनेस सेटल कर लिया था, तो फिर एक समस्या आ गई थी। जब उन्होंने अपना बिजनेस सेटल किया तो उसको नाइट में ख़त्म करते करते रात को 12:30 1 बज जाती थी। अब दूसरी प्रॉब्लम थी कि पापा घर नहीं आ पाते थे, क्योंकि रात को 12 12:30 बजे के बाद घर आना, आते आते घर 1:30 2 बज जाती और सुबह वापस निकलना तो बेकार था घर आना, तो पापा ने घर आना छोड़ दिया। और इन सब परेशानियों की वजह से मेरे पापा के कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने पापा को सजेशन दिया कि आप लोग आदर्श नगर में मकान क्यों नहीं ले लेते हो, जब आपके बिजनेस का लास्ट वहीं होता है, रात को वहीं ख़त्म होता है, तो आप वहाँ पर ही मकान ले लो और वहाँ सारी सुविधाएं भी है। हालांकि तब तक मदार में भी काफ़ी सुविधाएं हो चुकी थी, बिजली पानी आने जाने के साधन सब हो चुके थे, लेकिन बिजनेस के हिसाब से पापा ने यहाँ पर आदर्श नगर से थोड़ी सी दूर एक सेठी कॉलोनी नाम से जगह है, वहाँ हमने पहले किराए का और फिर अपना मकान ले लिया और हम आदर्श नगर रहने आ गए। उसके बाद आदर्श नगर में ही गर्ल्स स्कूल के नाम से एक स्कूल थी, सरकारी स्कूल ही, वहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया और मेरी पढ़ाई में कोई खलल नहीं आया, मैं निरंतर पढ़ती रही। उसके बाद 1999 में मेरा विवाह हो गया। जब मेरा विवाह हुआ उस समय मैंने कक्षा 10 उत्तीर्ण की थी और आगे की पढ़ाई के बारे में तो सोचा भी नहीं था कि पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। आदर्श नगर में ही मेरा विवाह हुआ। 1 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 1 साल के बाद ही मुझे लगा कि कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 2 रोटी खाने से जीवन नहीं चलता है, हम मनुष्य हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं और उन्हें पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है, और अगर अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना है तो उसके लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, और काम करना है तो घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो उस समय तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या काम करूं, क्यों, क्योंकि सिर्फ कक्षा 10वीं मैंने पास कर रखी थी, तो ऐसे में तो मैं क्या सोचती कि मुझे क्या करना क्या नहीं। लेकिन बचपन में क्योंकि माता जी के साथ सिलाई का काम मैं कर चुकी थी तो मुझे लगा कि वो ही ठीक रहेगा, क्योंकि वो मुझे आता भी है और मैं घर बैठे ही कर सकती हूँ, तो मैंने सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया। हमारे सामने ही उस समय एक लेडी थी, वो रहती थी और वो करती थी सिलाई का काम, मैं उन्हें उनसे लेकर मैंने स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद फिर 2001 में मेरी बड़ी बेटी हर्षिता का जन्म हुआ, तो मेरे काम पर जो है फिर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया। लेकिन पता नहीं क्यों सिलाई के काम में मन नहीं लगता था, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था मुझे, मैं सिलाई करती थी और उससे थोड़ा बहुत पैसा बचा के जमा करके और मैं अक्सर कोई ना कोई किताब लेकर आती थी और पढ़ती भी थी। हालांकि वो कोई किसी क्लास की या किसी कोर्स की बुक नहीं होती थी, कोई भी मैगजीन होती थी कई बार या कुछ भी, मैं लेकिन किताबें जरूर पढ़ती थी, पढ़ने का शौक मेरा खत्म नहीं हुआ था।
तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी रुचि के अनुसार कोई काम करूं, जैसे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना। पढ़ाना मुझे भी अच्छा लगता है और ये अच्छा काम भी है, तो दोनों बातें हो जाएंगी, मेरी आर्थिक समस्या भी हल हो जाएगी और रुचि के अनुसार मैं काम भी कर पाऊंगी। तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। तब तक मुझे ये नई जानकारी थी कि जहाँ हम आदर्श नगर में रहते हैं वहीं पास में ही ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पर भी रीडर्स आते हैं, बच्चों को रीडर की ज़रूरत होती है, बच्चे रीडिंग करते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, बिल्कुल अनजान थी इस दुनिया से। तो हाँ, उसके बाद एक दिन न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि ज्ञान ज्योति नाम से एक स्कूल था हमारे घर से काफ़ी दूर, वहाँ पे ट्रेंड चाहे अनट्रेंड टीचर की ज़रूरत है। प्राइमरी स्कूल थी, तो ऐसे स्कूलों में तो आप सब जानते हैं कि छोटी क्लास के बच्चों को तो पढ़ा ही लेते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार कोशिश करूं, लेकिन समस्या थी कि हर्षिता कैसे रहेगी, और उस समय वो मात्र 6 महीने की थी, तो मैं उसे छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। लेकिन उस समय मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं संभाल लूँगी हर्षिता को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम देख लो, अगर तुम्हारा हो जाता है तो अच्छी बात है। तो मैंने स्कूल में अप्लाई किया और वहाँ एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ और उन लोगों ने सेलेक्ट भी कर लिया और कुछ दिनों बाद आने के लिए भी कह दिया। लेकिन वहाँ पर भी जो मंथली मेरा पेमेंट था वो था सिर्फ 400 रुपये माह। लेकिन फिर भी मैं खुश थी कि चलो, मेरी एजुकेशन भी इतनी नहीं है, रुचि के अनुसार भी मैं काम करना चाहती हूँ, तो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही, उम्मीद पे दुनिया कायम रहती है। तो बस मैं भी ये सोचकर और मैंने स्कूल ज्वाइन कर ली और फिर सोचा कि शाम के समय थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लेंगे तो आमदनी कुछ और बढ़ जाएगी। और स्कूल मैंने ज्वाइन कर ली, मैंने रेगुलर जाना भी शुरू कर दिया और वहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम भी स्टार्ट हो गया, सब कुछ ठीक चला। लेकिन बस वही 2 महीने तक ही ठीक चला, न जाने क्यों कोई भी काम करने के बाद कुछ समय ठीक चलता और फिर कोई ना कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती। और मेरे सामने भी समस्या खड़ी आ गई थी कि हर्षिता को संभालने वाला थे, हालांकि संभालने वाले मैं ये नहीं कहूँगी, परिवार में लोग नहीं थे, लेकिन छोटी बच्ची है, नहीं रहती है, माँ की ज़रूरत है। और स्कूल का टाइमिंग भी 8 से 1 बजे का था, घर आते आते 1:30-2 बज जाती थी, तो इस वजह से बस 4 महीने जॉब की मैंने और मुझे वो स्कूल भी छोड़नी पड़ी। स्कूल मैंने छोड़ दी, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि मुझे स्कूल छोड़नी पड़ी, क्योंकि बच्चे के पालन पोषण में माँ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये मेरा फ़र्ज़ भी था कि मैं घर पे रहूँ, अपनी बच्ची को समय दूँ ताकि उसकी परवरिश अच्छी हो सके। और कहीं ना कहीं जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे बहुत हर्ट होता था कि मैं इतनी छोटी सी बच्ची को इतने लंबे समय के लिए अकेला छोड़ के आ रही हूँ, भले फैमिली के लोगों के भरोसे ही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माँ का उसके साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैंने स्कूल छोड़ दिया, खुश थी मैं अपनी बेटी के साथ और उसकी परवरिश करके, और कंटिन्यू उसे संभालने के साथ साथ घर भी संभाला और सिलाई का काम भी जो मेरा था वो जारी रखा। लेकिन स्कूल में जब मैं पढ़ाने जाती थी तो वहाँ पे एक मैडम आते थे, उन्होंने मुझे एक बार कहा कि तुम वहाँ स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हो, पास में तुम्हारा तो ब्लाइंड स्कूल है और वहाँ पर रीडिंग की ज़रूरत है, बच्चों को रीडर की ज़रूरत है। और हम वो लोग खुद भी पढ़ाते थे, शायद बच्चे उनके घर पर ही पढ़ने आते थे,
अपनी फील्ड के जो बच्चे थे, कुछ स्टूडेंट उनके घर ही आते थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इजीली तुम शाम के समय 1-2 घंटा पढ़ाओ, यहाँ 6 घंटे स्कूल में देने से तो ज़्यादा अच्छा है, तुम अपनी बच्ची की भी अच्छे से केयर कर पाओगी। तो मैंने उनसे कहा कि स्कूल तो है पास में, लेकिन मैं कभी स्कूल गई नहीं हूँ और ना मैंने देखा है, ना मुझे इस बारे में जानकारी है, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, देखूँगी। तो घर पर जब मैं रही तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं ट्राई करूँ, स्कूल जाऊँ और वहाँ के स्टूडेंट से बात करूँ, शायद मुझे वहाँ रीडिंग का मौका मिले और मैं अच्छे से कर सकूँ। तो एक दिन शाम के समय मैंने तय किया कि आज एक बार स्कूल जाकर ही आते हैं और वहाँ बच्चों से मिलते हैं, देखते हैं क्या प्रतिक्रिया मिलती है। मैं स्कूल गई, उसके बाद क्या हुआ ये सब जानने के लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के पार्ट 31 का। एक रिक्वेस्ट और है आप सभी साथियों से कि 3 पार्ट द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के मैंने भेजे हैं ग्रुप में, और अगर आपने वो सुने हैं तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे दीजिए, ताकि आगे मेरा उत्साह और बढ़े। हालांकि कुछ साथियों ने मुझे पर्सनल चैट पे और पर्सनली फ़ोन करके अपनी बातें कही थी कि अच्छा लग रहा है आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और सर ने भी जो इतने पार्ट रिकॉर्ड करके भेजे हैं ग्रुप में, हमने सुना है, तो आगे ये द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब चलता रहे। तो आप सभी की प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार।